बी रेडी 5 सेकेंड्स स्टार्ट इट इज सबमिटेड दैट द कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज स्टेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट मे नॉट हैव बीन गिवन द कोर्स और कॉलेज और प्लेस ऑफ देयर चॉइस एंड इन केस लेटर ऑन दे गेट द अलॉटमेंट ऑफ देयर चॉइस अंडर द स्टेट कोटा देन दे विल वैकेट द सीट्स अलॉटेड टू दैम अंडर द ऑल इंडिया कोटा हैंस दे अप्रीहेंड दैट मोर दैन 700 सीट्स विल फॉल वैकेंट वंस द काउंसलिंग इज कंडक्टेड इन द अफोरसेड स्टेट्स देयरफोर इट इज सबमिटेड दैट अ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड एंड दैट द वैकेंट सीट्स इफ एनी शुड अराइज इन द 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स शुड नॉट बी अलाउड टू रिवर्ट बैक टू द स्टेट्स कॉलेजेस आफ्टर सेप्टेम्बर 2001 एंड दैट इंस्टीड सक्सेसफुल एंड मेरिटोरियस कैंडिडेट्स इन द ऑल इंडिया कोटा शुड बी अलॉटेड दिस सीट्स और सच अदर ऑर्डर्स एज नेसेसरी मे बी पास्ड एज पर क्लॉज 14 ऑफ द स्कीम इफ द डीन और द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न्ड कॉलेज डस नॉट नोटिफाई द वैकेंसी पोजिशन ड्यू टू नॉन जॉइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स और कैंडिडेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बिफोर द डेट इंडिकेटेड देयर इन द सीट्स अलॉटेड टू द कॉलेज विल बी ट्रीटेड एज वैकेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड अगेंस्ट दीज डीम्ड वैकेंट सीट्स एंड इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न्ड कॉलेज टू गिव एडमिशन टू दोज कैंडिडेट्स द सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट बाय पर्सनल अपियरेंस विल बी फॉर कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड एंड हु विश टू चेंज देयर अलॉटेड कॉलेज कोर्स एंड विश टू जॉइन द सेम अगेंस्ट वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू नॉन जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ पर्सनल अपियरेंस एंड फॉर कैंडिडेट्स ऑन द मेरिट लिस्ट हु कुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड इट इज दस द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय पर्सनल अपियरेंस वॉज टू बी कंक्लूडेड बाय अ पर्टिकुलर डेट वेन अ डिटेल्ड स्कीम हैज़ बीन फ्रेम्ड थ्रू ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट एंड द मैनर इन विच इट हैज़ टू बी वर्कड आउट इज ऑल्सो इंडिकेटेड देयर इन वी डू नॉट थिंक दैट इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर देयर इज एनी शॉर्टफॉल और सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट फिल्ड अप द सेम शुड बी डन बाय अडॉप्टिंग वन मोर राउंड ऑफ काउंसलिंग बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग अंडर द स्कीम इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल टू गो ऑन अल्टरिंग द स्कीम एज एंड वेन सीट्स आर फाउंड वैकेंट वॉट इज टू बी बॉर्न इन माइंड इज दैट ब्रॉड इक्वेलिटी will have to be achieved and note that it should result in any mathematical exactitude out of about 1600 seats if 250 seats are not filled up for various reasons we do not think it should result in the third round of counseling if that process is to be adopted then there will be again vacancies and further filling up of the seats failing vacant will have to be undertaken